ऐसे में सुल्ताना डाकू बनी हुई थी। डाकू तो मैं क्यों बैठा हूँ इधर? मैं अच्छा मेरे बाप को ये पिज्जा सर मैं खाऊंगा। क्या मतलब है हाउ आर यू? दलते। आप चीज लेने बाहर नहीं जाते? अच्छा मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क तो अभी तो अच्छा बुर्का क्यों नहीं पहनती? मुझे तो ठंड नहीं लग रही। तो तुम तो जवान हो ना, तुम तो शेर हो ना। मैं कैसा शेर हूँ? मैं तो शेर की तरह नहीं भागता। तो शेर को तो कोई काबू कर सकता है? हाँ कर सकते है। कैसे? जाले में फंसाते है। तो दूध भी पिया करो ग्लास में, फीडर तो नहीं पीते? नहीं मैं तो छोटा बच्चा नहीं हूँ। चलो वाला फीडर पीते हो? गुस्सा ना करो ना, एक तो गुस्सा बड़ा करते हो तुम पठान गुस्सा बहुत करते हो। अच्छा मैं पठान हूँ। आपका इंतजार खत्म हो गया और अभी मैं बाजी के साथ वापस आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? फूलों के शहर पेशावर से एक दफा तायरा रिफत फिर आपको कहती है खुशामदीद अपने चैनल तायरा रिफत पर। तो जी आज पेशावर का मौसम बड़ा दिल फिरैब था और आज मेरा चुलबुला मूड हुआ है। हवाएं देखे ठंडी ठंडी चल रही हैं, बादल हैं और बारिश अच्छी खासी सुबह से काफ़ी ज़्यादा थी। इंतज़ार भी थी कि बारिश थम जाए तो मैं अपना प्लान जो है वो मैं रेडी करूं और बस निकल पड़ूं कैमरा लेकर घर से। तो जी मैं निकल पड़ी हूं, अभी मैं आई हूं बैगनी। आपके लिए सरप्राइज़ ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जी शाहज़ेब के साथ वीडियो कब आ रही है, शाहज़ेब के साथ वीडियो कब आ रही है। तो जी शाहज़ेब के साथ आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आपका होता है इंतज़ार ख़त्म। मैंने उस बच्चे को देनी थी ट्रीट क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझसे मांगा था पिज़्ज़ा, तो मैं आई हूँ यहाँ पर बेकरी पिज़्ज़ा उसके लिए लेने। पिज़्ज़ा लेती हूँ, चलती हूँ शाहज़ेब के घर और बाकी बातें हम शाहज़ेब के साथ मिलकर करेंगे। तो चले जी वीडियो को एंजॉय करते हैं। घर के बाहर हूँ और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको कहूँ कि शाहज़ेब को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं शाहज़ेब को सरप्राइज देने के लिए जा रही हूँ। मैं उनको बगैर इन्फॉर्म किए हुए मैं उनके घर आई हूँ। दुआ करें कि दरवाजा खुल जाए। वो खुल गए, खुल गए। सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब मुझसे नहीं मिलते? आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हूँ। यार बस हमने बहुत देर की के आपके साथ नहीं मिले थे और आज मौसम भी बहुत सोहना मौसम था, सुहाना मौसम था, तो इसलिए हमने कहा कि आओ जरा शाहज़ेब के साथ मिलते हैं। तो शाहज़ेब पिज़्ज़ा मम्मा को देख के आ गए हो, इतने कमज़ोर क्यों हो गए हो? आपने चीज़ें मेरे लिए नहीं लाई हैं तो मैं कमज़ोर नहीं हूँ। क्या मतलब चीज़ें नहीं लाई? आपने बाहर शोरमा और पिज़्ज़ा आपने नहीं लाए तो अभी पिज़्ज़ा लाई। अच्छा जब तक मैं पिज़्ज़ा नहीं लाई आपने कुछ खाया ही नहीं है? नहीं। हाय अल्लाह, बड़ी बड़ी यार बुरी बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि आप मेरे लिए शवारमा नहीं लाई, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अभी शवारमा भी ले आती और आपके लिए शवारमा क्या होती है? क्या कहते हैं उसको? शोरमा। अच्छा शोरमा कहते हैं। शोरमा भी ले आती और वो गाड़ी भी ले आती रिमोट वाली और क्या मांगा था, बर्गर भी ले आती, तो फिर इसका मतलब सारा कुछ आज दे देती और फिर शाहज़ेब से बात ना करती कभी भी। ये तो बहाना है ना दोबारा मिलने का, फिर अगली दफ़ा आऊँगी फिर मैं शोरमा लाऊंगी, फिर मैं बर्गर लाऊंगी, एक एक दफ़ा फिर मेरी तुम्हारी मुलाकात भी होगी ना। ये देखो ये हमारे जो है ना व्यूवर्स,
ये कह रहे थे कि शाहजेब के साथ वीडियो कब बनाओगी। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि लॉकडाउन में बच्चे बाहर ना बहुत घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब इसका क्या हल निकलेगा? इसका हल निकलेगा जब सारे ये दुकान और वगैरह बंद हो जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं लेंगे, तो फिर इसका दिल तंग हो जाएगा, इसके कोई बहन भी नहीं होगी, तो फिर ये पढ़ाई शुरू करेंगे। अच्छा यानी दुकानें बंद कर दें तो फिर वो दुकानदार जो है वो अपने घर के लिए फिर कैसे पैसे कमाएंगे? जब थोड़े से पैसे उसके पास होंगे ना। अच्छा यानी उसमें वो गुजारा करे और जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो फिर वो दुकान खोले, फिर बच्चे आए और फिर चीज़ें खाएं। बच्चे चीज़ें खाने जाते तो पढ़ते नहीं हैं। हाँ ना। आप चीज़ लेने बाहर नहीं जाते? अच्छा मास्क नहीं पहना। मास्क नहीं पहना, फिर लिपस्टिक ख़राब हो रही थी। तो लिपस्टिक ऐसी सोने की है जो तुमने लिपस्टिक पे है ना? लिपस्टिक सोने की नहीं है यार, लिपस्टिक तो लिपस्टिक होती है। मैंने कहा वो कैमरे के आगे आने। अच्छा बुर्का क्यों नहीं पहना? बुर्का मैंने पहना हुआ है ना। बुर्का कैसा? तुमने मेरी नई वीडियो देखी है? मैंने बुर्का पहना, हाय अल्लाह, वो चित्राली बाजार वाली। मैंने तो अपना लुक देखो, पहले वो दुपट्टा मैं दूसरी तरह लेती थी ना, अब मैं वो मतलब जो खोल के लेती। अच्छा तुम भी दुकान भी खोलती हो? नहीं मैंने कब कहा दुकान खोलती हूँ। अभी तुमने कहा ना। नहीं मैंने कहा ये दुपट्टा मैंने खुला, वो पहले मैं दूसरी तरह दुपट्टा लेती थी ना, अब मैंने आज ज़रा बारिश हो रही थी, इतनी सब ठंड लग रही थी, तो वो पिछले दिनों तो मौसम गर्म था ना, तो मैंने तो स्वेटर वगैरह संभाल दी थी, फिर लोन के कपड़े तो बस ये शॉल एक मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर, फिर मैं बीमार हो जाऊँगी तो फिर अल्लाह ना करे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो फिर सारे मुझसे भागेंगे, कहेंगे इसको कोरोना है। अभी तो मैं ठीक हूँ ना। अच्छा तो मुझे तो ठंड नहीं लग रही। तो तुम तो जवान हो ना, तुम तो शेर हो ना। मैं कैसे शेर हूँ? मैं तो शेर की तरह नहीं भागता। तुम शेर ताकतवर हो? ताकतवर? ये ताकतवर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मजबूत क्या होता है? शेर को तो कोई काबू कर सकता है? हाँ कर सकते हैं। कैसे? जाले में फंसाते हैं। तो जाले में फंसाने के लिए भी दिल चाहिए। हमारा तो दिल नहीं है ना, मेरा तो दिल है ना इधर। मेरा दिल इधर है? नहीं मेरा इधर है। मेरा इधर है? कोई इनमें अल्लाह में, इसको कैसे समझाओ? तो मेरे दोस्त हो तो मुझे तुम समझाओगे ना, कैसे दिल मेरा इधर है, दिल तो मैं क्या करूं? होता है ना, सीधी साइड पे भी लोगों का दिल होता है ना। अच्छा हाँ, ये मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। अच्छा अभी खाना प्रॉपर खाया करो, दूध भी पिया करो ग्लास में, फीडर तो नहीं पीते? नहीं मैं तो छोटा बच्चा नहीं हूँ। चलो वाला पीजे पीजे। अच्छा अच्छा तुम सिरिलैक खाते हो? मैं सिरिलैक सच बताऊँ कभी कभी खा लेती हूँ, बड़ा अच्छा। मजे का होता है ना, बड़ा मैं तो नहीं खाता। क्यों? अब मैं तो छोटा बच्चा ही नहीं। तो फीटर तो पीते हो ना, तुम फीटर पीते हो? मैं सिरिलैक खा लेती हूँ। अच्छा मैंने कब पिया? मैंने घर में पिया है। अच्छा अच्छा चलो गुस्सा ना करो ना, एक तो गुस्सा बड़ा करते हो तुम पठान गुस्सा बहुत करते हो। अच्छा मैं पठान हूँ ना? तो गुस्सा मत करो ना, गुस्सा अल्लाह को पसंद नहीं है ना। अच्छा तो मैं क्या करूँ? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, किसी बातें कर रहे हो, देखो फिर अल्लाह नाराज़ होगा, ऐसी बातें नहीं करते हैं। अच्छा अब तुमने खाना भी अच्छे तरीके से खाना है, ज़रा से मोटे मोटे नहीं बस ज़रा सेहतमंद हो जो ठीक है। अच्छा फिर बॉक्सिंग में ले जाओ ना, फिर बॉडी बनेगी बॉक्सिंग में। हाँ फिर इंशाल्लाह वो कराटे जूडू कराटे, जूडो कराटे होता है कि जूडू कराटे होता है? बांडो कराटे। हाँ वो फिर तुम्हें ब्लैक बेल्ट मिलेगी, और कौन सी बेल्ट होती है? हाँ हाँ तो बस बस फिर तुम हाँ इंशाल्लाह जाएंगे। तुम स्कूल जाते हो पढ़ते हो? मिस अच्छा पढ़ाती है, इंग्लिश विंग्लिश आती है? पश्तो बोलते हो वहाँ, उर्दू बोलते हो कि इंग्लिश बोलते हो? सारी जुबानें। हाँ इंग्लिश बोलते हो? अच्छा इसका इसका क्या मतलब है, हाउ आर यू? डलते नो 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 व्हाट इज योर नेम? चले शाहजेब। अच्छा दी पख्तो के सल वाले खबर की पख्तो के वाले खबर को लोग पख्तो के ना को जमा आगा भी वर चीदी आगा को उर्दू ज्यादा हो रही का ना, मतलब पख्ता नहीं चीदी आगा दी खो लग मतलब कम है देखा ना नू लग उर्दू की खबर है वो का ता तो पख्तो खोख दी उर्दू खोख दी पख्तो। हाँ
उर्दू में इज़्दक़ाख़ा जमा कोमी जबादा हाँ ये पठान का बच्चा है ना हमें उर्दू आती है। ओए शाज़ीब तुमने वो वीडियो बनाई है वो जो लड़की कहती है हमारी पौड़ी हो रही है क्या वो लड़की ने वीडियो नहीं बनाई थी हमारी पौड़ी हो रही है ये मेरी खौर है ये मैं हूँ ये मेरी पौड़ी हो रही है तुमने बनाई थी वीडियो नहीं तो बनाते ना वो कितनी प्यारी मैंने तो ऐसे वीडियो कभी बनाई भी नहीं देखी भी नहीं है नहीं देख लो जी ये वाहिद बच्चा जिसने वो वीडियो देखी नहीं इतनी वीडियो वायरल हुई है लेकिन हमारे शाज़ीब ने वो वीडियो नहीं देखी कितना अजीम बच्चा ये हाँ। क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है अच्छा चलो शुक्र है मैं तो तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना ठीक है ना मैं तो अच्छी लगती हूँ ना अच्छा थोड़ा सा और बातें भी करो सिर्फ यही कहती हूँ तुम हर रोज क्या क्या कहती हूँ दोस्ती यार दोस्ती देखो तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी मेरी दोस्ती हुई है तो इतने लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वाह शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह शाज़ीब की तायरा की दोस्ती हो गई शाज़ीब की तायरा की दोस्ती अगर आप इस तरह मेरे साथ दोबारा कहोगे कि दोस्ती 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 तो लोग कहेंगे कि देखो शाज़ीब फिर इसके साथ दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं अच्छा अभी तो जब मैंने उस वो वीडियो भी मैंने बनाई जो ऐसे हाथ किया था हाँ उसमें तो हमने दोस्ती की है हाँ तो अभी भी हम दो यार मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाई हूँ तो तुम मेरे दोस्त हो तो पिज़्ज़ा लाई हूँ ना हाँ ना तो फिर अच्छा मेरे बापो को ये पिज़्ज़ा सिर्फ मैं खाऊंगा नो 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 तुमने तो सच में मास्क नहीं पहना और कोरोना तो तुम्हें नहीं है ये किसको डर की आंखें बना के कह रही हो ये लो हट के बैठ जाते मुझे मुझे कोरोना मरोना नहीं है अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ अच्छा फिर मास्क क्यों नहीं पहना ये ना मेकअप खराब होता था ना मैं ये मेकअप इतना सोने का है तुमने क्यों मास्क नहीं लगाया मैं तो घर में अभी तो मैं बाहर में नहीं हूँ तो मैं भी घर में ही हूँ तू तो बाहर से आई है अभी तो वो उस वक्त मैंने ये दुपट्टा था ना दुपट्टा इस दुपट्टे से मैंने ऐसे निकाब किया था ये तुम क्या कर रहे हो ये देखो मेरी आंखें कितनी प्यारी लगी देखो अच्छी है ना ऐसे में सुल्ताना डाकू बनी हुई थी डाकू मैं क्यों बैठा हूँ इधर मैं माड़ा गप लगा रही हूँ एक तो गप गप के ना पुएगी वल्ला ता हो आपने तो कहा था मुझे पछतो नहीं आती और अभी बोल नुता उस मजमा मालगरे का ना नुमाता ना इस दकड़े दे आ का ना बोले ह्यूमन सबरों का था उस मैं आपको एक बात बता हाँ दो बात हमने अपने बच्चों का बर्थडे भी किया था ना देखो तुम मेरे हो दोस्त मुझे रेहानू ने बोला है कि जब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो हम एक बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे अब तुमने मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया ना देखो अब इनको सबको पता चल गया कि मैं बड़ा सेलिब्रेशन करूँगी तो हमने बोला था कि हम उसमें तुम्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाएंगे और अच्छा तुमने तो बुलाया ही नहीं तो वो तो छोटा इवेंट था तुम छोटे बंदे तो नहीं हो तुम तो बड़े बंदे हो बड़ी फेमस पर्सनालिटी हो ऐसे छोटे बड़े लोग बड़ी गल्ला छोटे मोटे फंक्शन में तुम्हारा क्या काम है अच्छा पहले से क्यों नहीं बताता तुम तो बहुत छोटी हो कसम पर खुदे रिश्ते आवे मावल्ला मैं झूठी हूँ मावल्ला ए द इल्जाम वापस वाला खास झूठी मूठी नहीं माँ अपने पश्तो में उर्दू बोले जमा पश्तो को बस दसी है ना बस मुझे खुद दसी पश्तो आती है आगा परंग खुमाल पश्तो ना राजी ये तुम क्या बोल रहे हो अभी उर्दू में आप पश्तो बोल रहे हो माना बस तला समझ राजी का ना जिस से वे माँ बस दा खबर आता बस पर प्रे दा अगर नोर खबर है अगर घट फंक्शन कोम का ना दा खावा खबर राजी دا اس زمان سرپرائز چھ دے کنا آغا بس لیکو لیک شو ما ریحانو تا ویل دے ما وی چھ کلا با زمان 50,000 سبسکرائبر پورے شو کنا 50,000 میرے سبسکرائبر خیر سے ابھی 26,000 کی قریب ہے تو بس ہونے والے ہیں
ठीक है इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तुम इनको कहो कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारा चैनल आगे जाए और फिर हम एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, उसमें तुम चीफ गेस्ट होगे। थ्री पी सूट बाचे खा सम आगा जलमी आगा दूल्हे को क्या कहते हैं जलमी जलमी दी बजोड़ के दलता बखुला बाचे कुल्ला कुल्ला कहते हैं हाँ आवाज़ खेसा गुनता बस सही दे तुम्हारे लिए कोई बंदा चीज लेकर आता है तो वाकई ये तुम्हें नहीं देते हैं? नहीं, ये खुद खा लेते हैं। हाँ ना यार, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा अच्छा, इसकी एक बेटी है ना जो तुम्हारी बहन है। हाँ हाँ, वो अलीना नाम है उसकी। अच्छा, वो सब कुछ जब मैं चीजें लाता हूँ तो ये सारे उसको देते हैं, सारी चीजें उसको देते हैं। ये देखिए कि शाज़ेब कितना सच्चा है ना। लोग कहते हैं कि पठान लड़कों को अहमियत देते हैं, लड़कियों को अहमियत नहीं देते। ये पहला बच्चे के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। ये बच्चा कह रहा है कि मेरा बाप क्या करता है, जो मेरी चीजें होता है वो भी उठा के मेरी बहन को दे देता है। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। जो पख्तूनों के बारे में एक बात की जाती है कि वो लड़कियों को हकूक बराबर के नहीं देते, तो देख लें यहाँ पर जो शाज़ेब के जो अबू हैं वो इसकी बहन अलीना को शाज़ेब पे ज्यादा फोकियत देते हैं। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। खैर तुम्हारी बहन है ना, कल को बड़ी होगी, शादी होगी, उसकी पराई घर जाएगी, क्या याद करेगी? अच्छा, उसकी जब भी शादी होगी तो मैं बुढ़ा। नहीं, तुम भी जवान, तुम्हारी भी बीवी होगी, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। मैं तो शादी नहीं करता। बस छोड़ो शाज़ेब, ये ड्रामे वाले बातें मत किया करो। करोगे शादी एक दिन तुम, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी प्यारी सी लड़की के साथ। और दूसरी बात, कोई लड़की अगर इसके साथ शादी करना चाहती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, और वो वाले कमेंट मत कीजिएगा। लोग कहते हैं बच्चे का दिमाग ख़राब करती है यार। मेरी मुझे शादी की है। यो मिनट, सब्र रुक करना। हाँ, शर्त ये कि इसको मनाना है शादी के लिए। और जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे का दिमाग ख़राब करिए, बच्चे का दिमाग, ये माशाल्लाह इतना टैलेंटेड बच्चा ना, इतना ज़हीन बच्चा है कि इसको कोई भी मात नहीं दे सकता। हम जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता कि आप एक दूसरी तरफ बात को मत ले जाया करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उम्मीद और मायूस होते हैं, तो वो एक 15 मिनट की या 8 मिनट के वीडियो क्लिप में अगर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना इस प्यारे से बच्चे की वजह से, तो उसको देखा करो। सही दे, शादी जो करना चाहता है वो ज़रूर बताए। पिज़्ज़े का भी मैं प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करती हूँ। और बर्गर का कौन करेगा? मैं बर्गर बाद में लाऊंगी ना, बर्गर बाद में लाऊंगी तो फिर कब फिर आऊंगी? फिर ना आऊंगी, मेरा दोस्त नहीं हूँ। फिर आऊंगी ना। देखो आपने मुझे ऐसे किया है ना। अच्छा चलो, सॉरी सॉरी का क्या मतलब? खास माफी ग्वाड़ा माँ, इसको देखो तुम रखला का पुख्ता नहीं करना जो बस खबर हम ना मनी। हाँ नो बात के राजम यो जल ब्यार आजम आदि सरा ब्याह वीडियो जोड़ का मस्ता फरमाइश ब्यार बार बार तासु फरमाइश की शाज़ेब सरा वीडियो जोड़ का ब्याह शोरमा रोड़म द शोरमा वे ज शवारमा वे माँ तासु पता नहीं सवे नो ब्याह हर यो चीज़ अपल मलगर लपारा रोड़म और फिर आऊँगी वीडियो बनाऊँगी। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मैं इसके पिज़्ज़े का प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ क्योंकि इसको डर है कि इसका पिज़्ज़ा इधर उधर ना हो जाए। तो ये पिज़्ज़ा चाहिए तो बाप को समझा, समझाती हूँ, वीडियो तो ख़त्म होने दो। तो मैं इसके अप्पू को कहती हूँ कि इसको पिज़्ज़ा खिलाए, जितना इसने पिज़्ज़ा खाना है वो पिज़्ज़ा बाद में संभाल के फ्रिज में रख देगा, फिर अमन में गर्म करके खा लेगा। तब तक अपने प्यारों का और अपना अपने प्यारे पाकिस्तान का अपने शहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी टीम को, शाज़ेब को। फी अमानिल्लाह, टाटा बाय बाय। Hello.
हल्का मेहनत भी ज्यादा कर।